Students, we are starting off today with the new chapter, that is the chapter of time series. Now, the concept is very easy. Formula, very easy. If you know the chapter of regression, sir, समझ गया मतलब ये chapter का भी कुछ सेटिंग करना पड़ेगा क्योंकि रिग्रेशन हमने किया तो था लेकिन फॉर्मूला बी का ए का कुछ याद नहीं है. अगर रिग्रेशन का चैप्टर आपको याद है तो टाइम सीरीज इज अ सिमिलर चैप्टर टू रिग्रेशन. सिमिलर, कुछ ऐसी नई बात मैं यहां पर टाइम सीरीज में तुम्हें नहीं सिखाने वाला हूं जो हमने रिग्रेशन में देखी थी. ऐसा कुछ नया नहीं है. कंसेप्ट एंड ऑल are very similar, but then let's revise it again. Okay, what we had seen in regression and now what we have to see in the chapter of time series. What we are supposed to see in the chapter of time series. Now, abhi main basic cheeze kar raha hun, tum kuch mat copy karna. You don't copy anything right now. When I say कि भाई नोटबुक और टेक्सटबुक निकाल के इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करना है तब वो तुम अंडरलाइन कर लेना, ठीक है. यहां जरा ध्यान. नाउ इफ आई गिव यू अगेन टू वेरिएबल्स, इफ आई गिव यू से टू वेरिएबल्स, से फॉर एग्जांपल आई गिव वन वेरिएबल एज मंथ एंड सेल ऑफ पेट्रोल, द अदर वेरिएबल इज अ सेल ऑफ पेट्रोल. सो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कैन आई से जून, जस्ट इट हैज स्टार्टेड. जून तो अभी ही शुरू हुआ है. इट हैज जस्ट स्टार्टेड. अब मेरा सेल जनवरी में, नाउ इट वॉज 150 liters, फेब्रुवरी में 200 liters, मार्च में पार्शियल लॉकडाउन आया था तो सेल कम होके हो गया 100 liters, अप्रैल में भी दैट पार्शियल थिंग वॉज वर्किंग तो आई कुड सेल ओनली 120 liter. दिस इज 100, ओके, this one is 100 liters. then may mein dekho wapas sari cheeze sab open hone lagi to wapas mera sale ho gaya 200 liters. ab apna june ka mahina aa gaya hai. june ka mahina just it has begun. tum mein se koi mujhe bata payega, give me thumbs up, june mein main kitna petrol ka sale karunga, how many liters, tumhe kya lagta hai, tell me. Give me thumbs up. Wow. None of you want to answer. Ek jan ne bhi thumbs up nahi kiya. Arre. Kush. Sir, 180 liter. 180 liter. Beta Kush, kaise tune ye lagaya andaza? 180 liters. ऐसे भी लॉकडाउन तो खुल ही गया है ना, अभी सब लोग घूमने ही वाले. लॉकडाउन खुल गया है तो लोग घूमने ही वाले हैं. वाओ, इसलिए 180 लीटर ये कुश ने बताया. नित्य सर, ये तो मंथ पत्या पति खबर पड़ से ना, मंथ पत्या पति खबर पड़ से, पण कुश है कि तो 180. अच्छा, इफ आई से, हाँ यस नित्य यस सु के तो सर, ये तो एप्रोक्सीमेटली बोलियो ना, तो approximately ए बोलियो तो मारे अगर ए जानू छे before the June begins, if I want to know कि how much sale of petrol I'll able to do, तो मन ना खबर पड़े नित्या. सर आपने खबर तो पड़े, पने आपने साच्चू पड़े कि ना पड़े depend करे छे, पने आपने estimate करी सकिये छे, हाँ के ना. हाँ. Yes, we can estimate, मतलब कुछ ने अंदाजा लगाया 180 लीटर का. कहना से मैं बोलता हूँ 250 लीटर्स का सेल होगा, कोई तीसरा बोलता है 280 लीटर्स का सेल होगा,
हर एक के जवाब अलग 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 आ सकते हैं, बिकॉज हम यहां सब मिलके एस्टीमेट कर रहे हैं। तो एस्टीमेट से तुमको बेटा जो तुम्हारा चाइनीज का जो 0 वोल्ट का बल्ब है, क्या ऐसे उसमें थोड़ी ऐसी लाइट होनी चाहिए, ऐसी लाइट होनी चाहिए कि रिग्रेशन में भी हमने यही कहानी करी थी। रिग्रेशन में क्या हमने सॉरी रिग्रेशन में क्या हमने ये सेम कहानी करी थी कि हमको एक एक्स का वैल्यू देते थे और हम वाई की वैल्यू एस्टीमेट करते थे। तो यहां पर टाइम सीरीज में क्या होगा, हमको यहां पर टाइम सीरीज में क्या देखना है, वी वुड हैव बीन गिवन विथ पर्टिकुलर टाइम, हमको एक टाइम फ्रेम दिया होगा और मुझे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से यहां पर एस्टीमेट करना है, अंदाजा वापस लगाना है कि हाउ मच वुड बी द सेल ऑफ पेट्रोल। आर यू गेटिंग इट? सो इन टाइम सीरीज व्हाट आई विल कम अक्रॉस विथ, that one variable will be time given to us, always in all the sum we would be given with time. Now time can be month, year, it can be weeks, days, wo time is tarah se wo de sakte hain, right? Aur hame ek dusra variable diya hoga jaise sales ya to cost ya to production, ye sari cheeze hame di hongi, क्योंकि ये टाइम सीरीज का कंसेप्ट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते हैं। धीरू बेन अंबानी काका ये बद्धा आ टाइम सीरीज यूज करे कि भाई रिलायंस मा जियो मा जारे जियो लॉन्च थयो तू इन द ईयर, बेटा जियो क्यारे लॉन्च थयो तू, एनीबॉडी थम्स अप, जियो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, धन धना धन, बेटा अंदाजा तुक्का तो मारो यार, एक थम्स अप तो दो, जियो कब लॉन्च हुआ था? सर्वेश यस सर, तुम बेटा गलत मीटिंग में आ गए हो, ये 12th की मीटिंग चल रही है, तुम 11th के हो, तुम इसमें क्या कर रहे हो, जरा जूम आईडी पासवर्ड देखो, तुम गलत मीटिंग में घुस चुके हो। बहुत बढ़िया ऋषि 2017 Can I say it was 2016-2017 में यहाँ पर ये जियो लॉन्च हुआ था। Now at that point of time when they launched जियो, they had a very small subscriber base, कि भाई किनको जियो के बारे में इतना पता नहीं था, इतनी आइडिया नहीं थी, लेकिन जैसे ही जियो वालों ने स्कीम निकाली मफत नू इंटरनेट, ओहो Subscribers went on increasing. Say for example, अगर 2016-17 में जब ये लॉन्च हुआ तब मान लो 50 लाख लोग इसको यूज कर रहे थे, 50 लाख पीपल वेर यूजिंग जियो, लेकिन जैसे ही ये फ्री की स्कीम आई, तुम मानोगे नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी उसका फायदा उठाया था ये फ्री वाली स्कीम का, एंड देन ईयर ऑन ईयर The subscriber base went up. 50 लाख से 1 करोड़ लोग जियो यूज करते हो गए, 1 करोड़ से 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 2 करोड़, ऐसे the number of subscribers went on increasing. बराबर छे? तो अगर हवे मारे जानू छे कि भाई 2000 चाले छे 21, तो 2025 में जियो ना कितना सब्सक्राइबर हसे, इफ आई वॉन्ट टू एस्टिमेट, तो आई विल टेक द help of time series. So in time series we would have been given with the time frame. जैसे अगर हमको ऐसा बोलेंगे कि भाई 1990 में जब तुम बेटा पैदा भी नहीं हुए थे तब wheat का production कितना था अपने देश में, sugar cane का production कितना था, 1995 में कितना हुआ, 2000 में कितना हुआ, 2015 में कितना हुआ, ऐसे हमको year wise भी information दे सकते हैं और हमें वो प्रोडक्शन देंगे जिस पर से हम एस्टीमेट करेंगे दैट इन द कमिंग इयर्स व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन।
Are you getting it? So that is the whole idea, or that is the whole concept of which series? Sir, web series. La gobla time series, beta time series. Are you getting it? कौन कंसेप्ट समझाएगा मुझे? गिव मी थम्स अप. कितनों को कंसेप्ट पता चला टाइम सीरीज का? हमें क्या देंगे और क्या ढूंढना है हमको, कौन बताएगा? चलो थम्स अप. द्वारकेश को समझ में आया? अकेले द्वारकेश को समझ में आया है. बढ़िया बढ़िया. फिर एक और समझ में आया, हीर को. हाँ हीर 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 सर समझाओ बेटा, टाइम सीरीज में क्या समझ में आया? એટલે એમાં છે ને ટાઈમ ની એટલે યર મંથ કે વીક ડેઝ એ બધું આપ્યું હોય અને એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. સમજો વીક ડેઝ ટાઈમ યે મંથ્સ યે સારા કોન્સ્ટન્ટ. એસા એક ઇન્ફોર્મેશન તો એસી હોગી, બીજી કઈ ઇન્ફોર્મેશન હશે? પ્રોડક્શન કોસ્ટ સેલ્સ. ये जो मुझे मंथ दिया है वो है मेरा टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको दिया होगा, राइट? जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, टी. अने जो सेल ऑफ पेट्रोल दिया है उसे हम वाई से डिनोट करेंगे, और ये होगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस वुड बी माई डिपेंडेंट वेरिएबल. टाइम इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी के लिए नहीं रुकेगा. Time is not gonna wait for anyone. वो तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. तो मेरे को टाइम दिया होगा जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिया होगा. एंड हमें यहाँ पर एस्टिमेट क्या करना होगा? वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई कीपिंग इन द माइंड फ्रेम ऑफ टाइम. કે આ ટાઈમમાં શું એસ્ટિમેટ એનું થઈ શકે છે એ આપણે કરવાનું. બેટા કન્સેપ્ટ કે લોજિક મગજમાં ઉતરે છે કે પછી જય ભોલે? કેટલો કો કન્સેપ્ટ સમજમાં આ ગયા? ગિવ મી થમ્સ અપ. કન્સેપ્ટ અન્ડરસ્ટુડ? ગિવ મી થમ્સ અપ. થમ્સ અપ. કન્સેપ્ટ ખબર પડી ગઈ? Wow. Wow. Driti, unmute beta. Driti. Yes, sir. Beta, is the concept understood to you? Sir, I have joined just now. Oh, you just recently joined? Yes. Oh, ho. Acha, main Driti, agar tumse ye sawal karun. अच्छा तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो धृति यार? डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस. अच्छा तू अगर न्यूज़पेपर जो इस तो आज ना न्यूज़पेपर में वो लिखियो छे के कोविड ना केसेस पहली बार इट हैज गॉन बिलो 1 लाख. 80,000 केस आया छे धृति. हेलो धृति बात है? यस सर. हां यस सर. तो आज ते न्यूज़ वाची इट इज लेस देन 80 मतलब लेस देन 1 लाख केस है उते वाचियो छे आज? ना નથી વાંચ્યું સર. ન્યૂઝપેપર વાંચવાનો ટાઈમ કસે ક્યાં મળે છે? અચ્છા થોડા ટાઈમ પહેલા કેટલા કેસ હતા તને યાદ છે? નો. હમ રોજ ભગવાન કો દિયા કરતે હૈ કે હમારે ઘર મે નહીં આના ચાહિયે કોવિડ. ફિર દેશ મે જિતને ભી કેસેસ ચલ રહે સલા મેર કો ક્યા ફરક પડતા હૈ? મે ક્યું ઉસ ન્યૂઝ કો દેખું? એવું છે ધૃતિ? ના. આપણો હેરી બોય કેટલા દિવસ થી કઈ બોલતો જ નહીં. હેરી અનમ્યુટ. હેરી હેરી. હા સર. હા હા. ધૃતિ ડોન્ટ અનમ્યુટ યોર સેલ્ફ, બી ધેર. અચ્છા હેરી બે ત્રણ જરા સવાલ કરતો જરા મને, એટલે હું તને કરું. કેટલા કેસ હતા બેટા કોવિડ ના થોડા ટાઈમ પહેલા? સર હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા જોયે ને તો કઈક
4 lakh ની અરાઉન્ડ ક્રોસ થવાના જ હતા કેસ, એટલું હતું. યસ, ઇટ વોઝ 3 lakh એન્ડ ઇટ વોઝ રીચિંગ 4 lakh. એટલે સરકાર કી આંખે ખુલી, પાર્શિયલ લોકડાઉન લેકે આયે, એન્ડ ધેન ધીરે ધીરે વેક્સિનેશન વધતું ગયું, વેક્સિનેશન વધતું ગયું અને કેસીસ વેન્ટ ઓન ડિક્રીઝિંગ. તો મેં તો રોજ દેખતા થા કે ભાઈ આજ અગર માન લો 15 મે કો અગર 4 લાખ કેસ હે તો 16 મે કો 350 હુએ, 17 મે કો વાપસ 375, 18 મે કો 3 લાખ કેસ, 19 મે કો 350. એસા રોજ કેસ ઉપર નીચે ઉપર નીચે હો રહા થા. ધૃતિ અરે આંખે ના, યસ, આજે કેટલા આયા બેટા ધૃતિ કેસ, આજે કેટલા આયા? 87,000 આયા, બરાબર છે. હવે હું તને પૂછું 5 દિવસ પછી કેટલા હશે તો તું કહી શકીશ? અઝ્યુમ કરી શકે. યુ તું અઝ્યુમ કરીશ, તું મને જે આન્સર આપીશ કેના છે, ધેટ વિલ બી એન એસ્ટીમેટ 5 દિવસ પછી. 60 અરાઉન્ડ. હા, એટલે એ તુક્કા મારીએ છીએ આપણે. હવે એ 5 દિવસ પછી કેટલા કેસ હશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે મારે ટાઈમ સિરીઝ ની મદદ લેવાની. કે આપણને એક ટાઈમ આપેલો છે, ટાઈમ, વી વિલ બી ગિવન ટાઈમ, ડેટ, ધેર ઇઝ ધ ડેઝ, મંથ, ઇયર, એવી રીતની ઇન્ફોર્મેશન આપી હશે અને આવી રીતની કોઈ બીજી ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપી હશે ને આપણે એસ્ટિમેટ કરવાના કે 5 દિવસ પછી કેટલા હશે, 10 દિવસ પછી કેટલા કેસ હશે, દેટ વી આર સપોઝ ટુ એસ્ટિમેટ. And in that, we take the help of time series. Okay. તો સર રિગ્રેશન માં પણ તો આપણે આવું જ કરતા હતા યાર, કશું શોધવાનું હતું આપણે એસ્ટિમેટ કરતા હતા. પેલું વાય બેટા, એવું કઈ યાદ આવે છે? પેલું ધૂંધલું ધૂંધલું યાદ આવે છે? બીકોઝ આપણે 3-3 દિવસ મળીએ છીએ એટલે આપણે આજે હમણાં ભણ્યું, જે સોફે બેઠા તઈ જ ખંખેર્યું ને પછી ઉભા, પછી પરમ દિવસે જયારે પાછા એ સોફે પર બેસશું એટલે આજુબાજુથી વીણશું કે કઈ હતું, લા જરા યાદ કરાવો યાર. તો ટાઈમ સિરીઝ ઓર રિગ્રેશન મે સર ફરક ક્યા હે? રિગ્રેશન મે હમકો દો વેરિયેબલ દેતે થે લેકિન ઉસમે ટાઈમ ફેક્ટર કભી નહીં હોતા થા. ટાઈમ સિરીઝ મે વી આર વિથ બી ગિવન ઓલવેઝ વિથ અ ટાઈમ ફેક્ટર એન્ડ દૂસરી ચીજો કા ફિર હમે એસ્ટિમેટ કરના હે. શ્યોર? શ્યોર. સો બેટા ફટાફટ ફટાફટ ટેક્સ્ટબુક ઓપન કરો. ચલો ટેક્સ્ટબુક ઓપન કરો. ચલો ફટાફટ લેટ્સ રીડ ધ ડેફિનેશન. લેટ્સ રીડ ધ ડેફિનેશન. લેટ્સ રીડ ધ ડેફિનેશન ઓફ ટાઈમ સિરીઝ. નાઉ ટાઈમ સિરીઝ કી ડેફિનેશન ક્યાં બોલ રહી હે જરા વો હમ દેખતે હૈ. पेज नंबर आ जाओ. मीनिंग दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है. यस, पेज नंबर 159 पर आ जाओ. डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज, पेज 159, डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज. उसमें क्या दिया है? द टाइम सीरीज इज डिफाइंड एज फॉलोज. इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स. Usually, most important underline, these are taken at equal intervals. એટલે મને જે ટાઈમ આપેલો હશે, સમ માં મને જે ટાઈમ આપેલો હશે એવી રીતે હશે. જો જેન, ફેબ, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, પછી મે પછી એવું નહીં ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નહીં, એસા નહીં હોગા. મે કે બાદ જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, એસા હી ઉનકો ઇક્વલ ઇન્ટરવલ મે દેને કા. ફિર જૈસે મેને અભી કોવિડ કેસ કી બાત કરી તો 15 મે, બરાબર છે, પછી 25 મે, 10 દિવસનો ગેપ, પછી 5 જૂન, 10 દિવસનો ગેપ, 15 જૂન, 10 દિવસનો ગેપ, તો ચાલે. તો જે ટાઈમ હશે એ પ્રોપર ઇન્ટરવલમાં આપેલું હશે. જૈસે મેને કહા 1990 મે કિતના પ્રોડક્શન હોતા થા વીટ કા, સો 1990 કે બાદ અગર હમકો દિયા 1995 તો પછી એનો ત્રીજો વર્ષ હશે 2000, ચોથો વર્ષ હશે 2005, પાંચમો વર્ષ હશે 2010. ઐસા ઇન્ફોર્મેશન હો ગરે બાબા, ઇક્વલ ઇન્ટરવલ્સ. ઓકે, તો હમે ટાઈમ સિરીઝ મે યે સારી બાતે હોંગી એટ ઇક્વલ ઇન્ટરવલ્સ. ઓકે, સો યહાં પર દેખો હમે દિયા હોગા ટાઈમ
एंड वी वुड बी गिवन विथ वेरिएबल जिसको हम डिनोट करेंगे वाई टी से. विल बी डिनोटिंग दैट वेरिएबल वाई टी. ओके नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. अच्छा तुम मुझे बताओ, थोड़े फ्लैशबैक में जाते हैं, रिग्रेशन के चैप्टर में जाते हैं. रिग्रेशन में भी हम ऐसे वाई को एस्टीमेट करते थे. तो वाई को एस्टीमेट करने के लिए मैं कौन सी लाइन मारता था, कौन सी लाइन बनाता था? हम रिग्रेशन को ढूंढने के लिए हम कौन सी लाइन करते थे? बेटा कोई तो थम्स अप दे दो. रिग्रेशन ने गोतवा माटे कई लाइन हती रिग्रेशन मा? सौम्या यस सर. हाँ बेटा रिग्रेशन में क्या था? रिग्रेशन लाइन. यस कैन आई से इन रिग्रेशन वी सॉ रिग्रेशन लाइन. सौम्या डोंट अनम्यूट. अच्छा कैन यू टेल मी व्हाट वाज द रिग्रेशन लाइन? a plus bx. कहना से हम इस तरह से इसको डिनोट करते थे a plus bx. यस हाँ के ना? हाँ. अच्छा ये रिग्रेशन लाइन से हमको क्या मिलता था सौम्या? व्हाट वी यूज्ड टू डू विद दिस रिग्रेशन लाइन? हमें एस्टीमेट वैल्यू मिलती थी. कहना से x की वैल्यू दी होती थी तो हम y की वैल्यू एस्टीमेट कर लेते थे. अरे हाँ के ना? हाँ. तो अब यहाँ पर भी वही चीज करनी है हमको. यहाँ पर वापस y की वैल्यू, हमें यहाँ पर y की वैल्यू एस्टीमेट करनी है जब हमें क्या दिया होगा? t फॉर टाइम. हमें वापस y की वैल्यू एस्टीमेट करनी है जब हमें दिया होगा टाइम. राइट तो हम रिग्रेशन के चैप्टर में रिग्रेशन लाइन ढूंढते थे. यहाँ पर टाइम सीरीज के चैप्टर में ध्यान दो, हम फाइंड करेंगे ट्रेंड लाइन. लिखो नोटबुक में, इन द चैप्टर ऑफ टाइम सीरीज आई विल फाइंड आउट ट्रेंड लाइन. जिसका फॉर्मूला देखो, वापस मेरे को वाई एस्टीमेट करना है तो वाई कैप ही रहेगा, ए जो था वो वैसा ही रहेगा, बी जो था वो वैसा ही रहेगा, एक्स के बदले टी आ जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेशन लाइन नाउ इन द चैप्टर हम फाइंड करेंगे ट्रेंड लाइन. बट व्हाट विल बी फाइंडिंग? ट्रेंड लाइन. कहना से फॉर्मूला देखो, जाना पहचाना लग रहा है. बोलो ना कुछ तो बोलो, जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? वो a प्लस बी एक्स था, ये a प्लस बी टी है. ठीक है तो वापस मैं इस ट्रेंड लाइन की मदद से y की वैल्यू हम एस्टीमेट कर लेंगे. ये ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करवाएगा y की वैल्यू को एस्टीमेट करने के लिए. एंड t इज द टाइम कि जिसका हमें एस्टीमेट करके देना है कि ये पर्टिकुलर टाइम में y का क्या आंसर आएगा, वो मुझे एस्टीमेट करना है. तो हमें वो t दिया होगा. वी वुड बी गिवन विथ t इन द सम एंड वी विल एस्टीमेट द y. बराबर. पण जो हमारे स्टेटिस्टिशियन हैं जिन्होंने ये बनाई लाइन, कौन सी? ट्रेंड लाइन. जिन्होंने ये बनाई क्या? ट्रेंड लाइन. और ये जो हमको फॉर्मूला उन्होंने दिया ट्रेंड लाइन का, उन्होंने फॉर्मूला जो हमको दिया उसमें उन्होंने चार कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के, बेटा हाउ मेनी कंपोनेंट्स? फोर कंपोनेंट्स दे टुक इनटू कंसिडरेशन. के जारे तमे टाइम ने ध्यान में राखी ने कोई पण वेरिएबल नु तमे जारे एस्टिमेट करो छो त्यारे तमने चार वस्तुओं तो ध्यान राखवानी ज, अने ए वस्तुओं नी इम्पैक्ट पड़े ट्रेंड लाइन पर. दोस कंपोनेंट इम्पैक्ट अवर ट्रेंड लाइन. सो दीज कंपोनेंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड देन विद दैट
कंपोनेंट्स उन्होंने ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला बनाया कि ये ट्रेंड लाइन में हमने ये चार एलिमेंट जो इसको अफेक्ट करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को जो अफेक्ट करते हैं वो चार कंपोनेंट को ध्यान में रख के हमने ट्रेंड लाइन बनाई। अब वो चार कंपोनेंट है कौन से जरा देखो, विच आर द फोर कंपोनेंट्स, पे अटेंशन, राइट डाउन द फर्स्ट वन, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या तो ट्रेंड, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या तो उसको बोलते हैं ट्रेंड। बराबर है, अब उसमें लिखो दिस कंपोनेंट अफेक्ट द वेरिएबल for a very long period of time. For example, if we consider agricultural production, the long-term trend will be for 10 to 15 years. And if we are considering electronic goods, then long-term trend will affect for a period of 5 to 6 years. मतलब क्या जरा समझो, मतलब क्या, मान लो हम आज बेटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मोबाइल का अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मोबाइल का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो अब तो कैसा हो गया है मोबाइल में, एवरी 2-3 इयर्स देर आर सो मेनी चेंजेस कमिंग। अने तमारो 2-3 वर्ष अगर फोन छे जूनो तो ए आउटडेटेड गणाय छे। बराबर छे, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मोबाइल फोन इज एन आइटम के जेमा बहुत फास्ट रैपिड चेंजेस आवे छे। बराबर छे, एंड आफ्टर 2-3 इयर्स तो ए चेंजेस अगर तमारा फोन में नहीं तो ए कोई काम नु नहीं। तो आज लॉन्ग टर्म ट्रेंड छे कि भाई एक अगर मोबाइल फोन अगर आपणे लॉन्च करिए छे तो ए जे कन्फिगरेशन छे एमा जे बधी वस्तुओ छे ए 2-3 वर्ष सुधी काम लागशे, एना पछी अगर तमे चेंज ना कर्यो तो दैट फोन विल बी आउटडेटेड। उसी तरह से तुम अगर आज देखोगे रेफ्रिजरेटर्स, पुराने जमाने के रेफ्रिजरेटर कैसा है भाई, नीचे एक कंपार्टमेंट है, ऊपर आइस है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी तो इन्वर्टर वाले आ गए हैं रेफ्रिजरेटर, कितनी सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उसमें आ रहे हैं। तो ये बता टेक्नोलॉजिकल चेंजेस 5-6 वर्ष इन्हें अफेक्ट कर से इन्हीं डिमांड ने कि भाई तुम्हें सारी नवी टेक्नोलॉजी ले आया तो तुम्हारी डिमांड बढ़ से, पर अगर तुम्हें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं लाओ तो भुपुक द डिमांड विल गो डाउन। सो व्हेनेवर अ न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग यू विल गेट द बेनिफिट फॉर 4-5 इयर्स एंड देन इफ यू डोंट चेंज यू विल बी गॉन आउट ऑफ द मार्केट। अब उसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कैसा होता है कि भाई उसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं, वो जब हम यूज करेंगे तो कहना है से उससे देयर विल यू कैन सी द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन दैट, राइट। तो एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म ट्रेंड 10-12 साल का दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3-4 साल में ही वो चेंज आ जाने चाहते हैं। तो वो हमें ध्यान रखने का जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखो,
अब उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को डिनोट कैसे करेंगे? देखो यहां पर टी और छोटा टी, टी स्मॉल टी, दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड. सीजनल कंपोनेंट, बेटा सीजनल कंपोनेंट भी हमारे वेरिएबल के आंसर को चेंज करेगी. नाउ सीजनल कंपोनेंट कैसा है? शॉर्ट टर्म है, दैट इज इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स. जैसे अभी तुम अगर देखोगे गर्मी शुरू हो गई है, समर्स, तो एसी का सेल कैसा है? बढ़ जाएगा एसी का सेल. कोल्ड ड्रिंक्स, इट विल इंक्रीज. आर यू गेटिंग इट? शुगर केन जूस, इट विल इंक्रीज. गर्मी, नेचुरल फैक्टर्स. लेकिन जैसे ही बारिश गिरेगी किसका सेल बढ़ेगा? बारिश, थम्स अप बेटा, बारिश बारिश. आशीष, आशीष, रेनकोट अम्ब्रेला वगैरह, रेनकोट अम्ब्रेला का सेल बढ़ जाएगा. वेरी गुड. खाने पीने में कौन सी आइटम ज्यादा जाएंगी? खाने पीने में सुहानी, सुहानी सर भजिया. बे यू विल सी अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द फरसान दुकान वेटिंग फॉर 100 ग्राम भजियास. के मारे जो ये मारे खावा भजिया खावा चे, क्या से गरम गरम जो चीजें बनती है उनका सेल बढ़ जाएगा? यस और नो? तो सीजनल, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट सीजन, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में, डिफरेंट डिफरेंट के सेल, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में सेल आएगा बिकॉज ऑफ द नेचुरल कंपोनेंट्स. हाँ बेटा, मेरे को बहुत सारे मैसेज आने लगे हैं कि हाँ कौन का सेल बढ़ जाएगा, समोसा खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे. खाओ ना यार, ठूसो, तुम पूरे साल मतलब 24/7 उसको ठूसो. तो खाली एग्जाम्पल मैं ये दे रहा था नेचुरल फैक्टर का, मैन मेड फैक्टर. अब देखो सीजनल कंपोनेंट में मैन मेड फैक्टर्स भी हैं. अब तुम मानोगे नहीं बेटा, मेरे को इंडिया, यू नो व्हाई आई लव इंडिया, मुझे बाहर की फॉरेन कंट्रीज पता है क्यों अच्छी नहीं लगती है? बिकॉज इंडिया मल्टी कल्चरल कंट्री. तमे जनवरी महीनो उपाड़सो ने कोई ना कोई एक फेस्टिवल तमने जोवा मळशे. आवे छे जनवरी मा फेस्टिवल आवे छे? कयो फेस्टिवल आवे छे? सर 3 दिवस हम छत पर डेरा जमा लेने का, वहां टेंट बांध लेने का एक, और ऊपर ही रहने का, बराबर है? तो जनवरी में एक फेस्टिवल आवे छे. फेब्रुवरी में, डू यू नो फेस्टिवल फेब्रुवरी? फेब्रुवरी, वाह बेटा, जिनके वीडियो ऑन है क्या मतलब स्माइल दे रहे हो तुम लोग, वाह बेटा वाह, मतलब शर्माने का तुम्हारा चालू है क्या? ब्लश कर रहे हो सर, कैसे नाम ले फेब्रुवरी में, तो आपको पता है ना 14 फेब्रुवरी. सर पूरे साल हम ईगरली वेट करते हैं कि कब वो दिन आएगा और कब मैं चाटा खाऊंगा. मैं ईगरली वेट करता हूं उस दिन का. तो वहां पर भी देखो, उस टाइम पर भी फेब्रुवरी में भी ये गिफ्ट्स की, रोज की कैसी डिमांड बढ़ जाती है, मैन मेड फैक्टर्स. पछी तमारा मार्च मा दुलेटी ने एवं कशु आवशे, एप्रिल मा कोई बीजी एक फेस्टिवल आवशे, मतलब रमजान का महीना आ जाएगा, ईद आ जाएगी, तो वो भी एक फेस्टिवल है. हम सारे ही फेस्टिवल इंजॉय करते हैं, तो हर एक फेस्टिवल में अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड शुरू हो जाती है. तो दैट्स अ सीजनल कंपोनेंट. जैसे उत्तरायण में बेटा किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? बेटा उत्तरायण में किसकी डिमांड बढ़ेगी? मरिया सर, काइट. कॉमन सेंस. उत्तरायण में बेटा काइट्स एंड जो दोरी है, डोरा, हाँ उसका फेस्टिवल है. लेकिन उसके साथ और किसकी डिमांड बढ़ती है सर? उंडियो. क्या कह रहे हैं? उंडियो खाइसो आपड़े, उंडियो जो तुम लोग खाने पीने में जोरदार लोग हो. हाँ एक आइटम नहीं छोड़ता था मैं, खावा पीवा नहीं कोई. तो कहना है अगर खाने पीने की आइटम है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ना से उस टाइम पे आपड़े पहली सिंग दाणा नी चिक्की ने ए बदानो सेल वधे,
પછી નીચે લોકોએ તો શું જ્ઞાન આપ્યું છે મેસેજમાં, જલેબી ફાફડા ગોગલ્સ મોર કેપ્સ ડીજે. બેટા મેં ઇસીલિયે તુમ્હારી બેચ કો મુજે ક્યા મજા આતા હૈ પઢાને કે લિયે, આહા ક્યા જનરલ નોલેજ હૈ તુમ્હારે પાસ, બુક કા એક ભી નહીં લેકિન બહાર કા ખતરનાક નોલેજ હૈ અપને પાસ. તો સીઝનલ કમ્પોનેન્ટ મતલબ અગર હમ ઇન સબ ચીઝો મે અગર હમ ડીલ કર રહે હૈ, જૈસે અગર અપના કાઇટ બનાને કા બિઝનેસ હૈ, કાઇટ બનાને કા અપના બિઝનેસ હૈ, તો ભાઈ ઉસ પર્ટિક્યુલર મંથ મે અપના સેલ બહોત બઢેગા. અને જૈસે હી જનવરી ખતમ વૈસે હી ફિર અપને કાઇટ કા સેલ નીચે ચલા જાયેગા. કોમન સેન્સ, ફેબ્રુઆરી માર્ચ મે દેખે હો કોઈ પાગલ છત પે ઉડા રહા હૈ પતંગ હૈ? સર હમ કર સકતે હૈ, આપ ખાલી બોલો, આપકે લિયે એસા હમ ફેબ્રુઆરી માર્ચ મે ભી ચડ જાયેંગે પતંગ લેકે. સો સીઝનલ કમ્પોનન્ટ. તો તુમે બેટા મે કહાનિયા જો બતા રહા હુ કુછ સમજ મે આ રહા હૈ કે ખાલી डिस्कशन हो रहा है और मुंह में खाली पानी आ रहा है ये सारा सुन के? हम टाइम सीरीज के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि जब हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो ये सारे कंपोनेंट को ध्यान में रखने का. लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है, सीजनल कंपोनेंट है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने का. अने पछी तमारे पेली ट्रेंड लाइन बनावानी. आम माथू उचकी ने सीधी ट्रेंड लाइन बनाई दी थी, फॉर्मूला नाखी ने ना चाले ना चाले. तो थर्ड कौन सा है देखो कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट. थर्ड कंपोनेंट कैसा है? साइक्लिकल कंपोनेंट. अब समझो साइक्लिकल कंपोनेंट क्या होता है. तुमने बेटा इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, मार्केट में पेलू बूम आवे, रिसेशन आवे, रिकवरी आवे, एवं कहीं वाच्यू छे? કોને યાદ છે પેલા ચાર સ્ટેજ કોને યાદ છે? હેરી 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 હેરી. હા સર. હા કયા છે બેટા પેલા ચાર સ્ટેજ? હા સર, બૂમ, રિસેશન, ડિપ્રેશન અને પાછું લૂ. શું ગપ્પા હેરી? સર સર ઉભા રહો, ટ્રેડ સાયકલ નું છે, ખબર છે મને. ચારમી 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 ચારમી. બૂમ, રિસેશન, ડિપ્રેશન, રિકવરી. બૂમ, રિસેશન, ડિપ્રેશન એન્ડ રિકવરી. હવે આ ચાર સ્ટેજમાં, ચારમી બૂમમાં શું હોય? બૂમમાં સર એકદમ હાઈ લેવલ પર હોય, મતલબ બધું જ આપણું સેલ એકદમ જબરદસ્ત, નોબડી કેન મેચ, ઐસા આપના બૂમ. ફિર પછી રિસેશન. રિસેશનમાં શું થશે? મતલબ બધું ઓછું થતું જશે ધીમે ધીમે, જે પહેલા આપણે પીક પર હતા થોડા ઓછા આવીશું. પછી ડિપ્રેશન એકદમ જ લો થઈ જશે, જે હમણાં દેશમાં એક્સપિરિયન્સ થઈ રહ્યું છે ડિપ્રેશન. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેજ ઓફ ડિપ્રેશન રાઈટ નાઉ વિચ અવર કન્ટ્રી ઇઝ ફેસિંગ, કે ભાઈ ધ ડિમાન્ડ્સ એન્ડ ઓલ ધે હેવ ગોન ડાઉન બીકોઝ ધ ઇન્કમ ઓફ ધ પીપલ હેવ ગોન ડાઉન. ધે ડોન્ટ હેવ એની એક્ટિવિટીઝ ટુ ડુ રાઈટ નાઉ, ધે આર નોટ એબલ ટુ ગો આઉટ ઓફ ધર હાઉસ. તો ડિપ્રેશન આયા હૈ, ફિર ક્યા હોગા ચારમી? રિકવરી. યસ. अब देखो जैसे ही कोविड के केस नीचे जाते जाएंगे, हम लोग अनलॉक की प्रक्रिया में चले जाएंगे. अनलॉक की प्रक्रिया, सारी चीजें खुलने लगेंगी, तुम वापस शॉपिंग मॉल में जाने लगोगे, तुम वापस आराम से घूम सकोगे, लेकिन मास्क तो पहनना ही पड़ेगा. तो फिर रिकवरी आना शुरू हो जाएगी. यस और नो? साइक्लिकल. हवे तमे मानसो नहीं, आटला टाइम सुधी बिफोर दिस ये दिस कोविड ફાર્મા કંપનીઝ નો સેલ્સ બધાનો નીચે હતો. ફાર્મા કંપની વેર નોટ ડુઈંગ ગુડ. પણ જેવું આ આવ્યું કોવિડ, તો એ રિસેશન થી પછી પાછી રિકવરી અને હવે ઉપર જવા માંડી છે. કેમ કે એક સાયક્લિકલ ચેન્જ એમના આવ્યો કે 10-1 વર્ષથી ધ થિંગ્સ વેર ડાઉન, નાઉ બીકોઝ ઓફ ધીસ ડિઝીઝ એન્ડ ઓલ ધ ફાર્મા કંપનીઝ આર ગોઈંગ અપ. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? So there are cyclical changes also which we have to consider when we go for trend line. We have to also keep in mind this cyclical fluctuations. And last, but the last fluctuation kaun sa hai? Random or irregular. Random or irregular. Ab tum jara kuch thode week pehle ki agar main baat karu to
बेटा ये एक स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म क्या नाम था बेटा, हाँ तुम जो बोल रहे थे टक्टू टक्टू, तुमको स्पेल करना भी नहीं आता है, बोलना भी तुमको नहीं आता है बेटा, टाउटे वॉज द स्टॉर्म, टाउटे। हम तो सर टट्टू टट्टू घर पे बोला करते थे, टट्टू आयो टट्टू आयो। क्या सही, ये जो टाउटे स्टॉर्म आया जिसमें नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में मैंने ये पढ़ा कि ये अपने गिर जंगल जो है, गिर फॉरेस्ट है, वहां पर 150 झाड़ उड़ गए, 150 ट्रीज। एंड वो तो उसकी स्पीड कम होगी और वो डाइवर्ट होके कहीं और चला गया, नहीं तो बहुत सारा नुकसान हो जाता। तो क्या ना इसे ऐसी इरेगुलर, ऐसी अनहैपनिंग घटनाएं अपने देश में होती रहती हैं हर साल। ऐसा एक साल बता दो कि हमने जीवन शांति से गुजारा हो, ऐसा कोई साल याद आ रहा है? सर जो साल में पैदा हुआ था वो साल ऐसा ही था, मेरे को कुछ नहीं पता चलता था, तो हम ऐसे शांति से जी रहे थे। बेटा 2019 में भी पॉलिटिकल डिस्टरबेंस आते हैं, जरा समझो। आ खाली स्ट्रॉम आयु ने एनएच खाली इरेगुलर फ्लक्चुएशन ना केवाय, अगर आपड़ा देश में कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई तो एने पण आपड़े आ रैंडम के इरेगुलर फ्लक्चुएशन केवाय। आर यू गेटिंग इट? तो कुछ हाँ, कुछ लोग मुझे ईयर मैसेज करना शुरू कर दे रहे हैं, सर 2011 2018। बेटा गूगल कर लेना, हर एक साल में कोई ना कोई तकलीफ तुमको देखने को मिलेगी, ने अगर नहीं मिली है तो बहुत बढ़िया, अपने को तो वैसा ही चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है 4-5 साल से तो साला दिवाली भी मनाने को नहीं होता है, अपने को साला दिवाली भी मना नहीं पाए हैं, है? दिवाली के टाइम पे साला नरेंद्र मोदी जी थाली पीटने के लिए बोलते हैं, पीटो थाली, ऐसा सबका आया था हमसे। अरे यस और नो? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी और द मॉरल ऑफ द चैप्टर, पे अटेंशन, आई एम कंक्लूडिंग राइट नाउ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पे अटेंशन, हमें हमको इस चैप्टर में, टाइम सीरीज के चैप्टर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टाइम का दिया होगा, उस कंपोनेंट के अगेंस्ट में हमें दिए होंगे वेरिएबल, टाइम के कंपोनेंट के सामने हमको दिया होगा एक वेरिएबल। अब वो टाइम को कंसिडर करके हमें उस वेरिएबल को एस्टीमेट करने को हमको बोलेंगे। अब वो एस्टीमेट करने के लिए हम बनाएंगे ट्रेंड लाइन। बेटा कई लाइन, मैं तुम सबको अनम्यूट करने का चांस दे रहा हूं, कौन सी लाइन मारेंगे? अरे यार कौन सी लाइन बनाएंगे? ट्रेंड लाइन। ओहो हो, ट्रेंड लाइन। बेटा तुमने बहुत बहुत ट्रेंड बना दिया, हम बनाएंगे ट्रेंड लाइन जिसका फॉर्मूला है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। लेकिन जब ये स्टैटिस्टिशियन ने ये ट्रेंड लाइन बनाई तब उन्होंने 4 कंपोनेंट को ध्यान में रखा। I cannot make a trend line if I haven't considered this 4 component because these 4 components affect my variable. These 4 components have an impact on time. Because of this component, because of them, the time changes. तो ये component time को affect कर रहे हैं, तो हमको इसको trend line में consider करने का। तो 4 component हमने उठाए। पहला लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, दूसरा सीजनल, उसमें सीजनल में भी मैन मेड और नेचुरल, तीसरा साइक्लिकल एंड चौथा रैंडम। इन कंपोनेंट को हमने कंसिडर किया ने फिर बनाई हमने ट्रेंड लाइन। एंड मार्केट इन योर टेक्स्ट बुक 1 mark 100% MCQ एडिक्टिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, दिख रहा है एडिक्टिव मॉडल,
एमा लखो वाईटी मतलब जो वेरिएबल मुझे एस्टिमेट करना है दैट इज इक्वल टू टीटी दैट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्लस एसटी सीजनल सीटी साइक्लिकल एंड आरटी दैट इज रैंडम और इररेगुलर कंपोनेंट एडिक्टिव मॉडल अपनी बेटा नोटबुक में लिखो ये नोटबुक में लिखेंगे एडिक्टिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज Addictive model of the time series. YT मतलब मुझे जिस कंपोनेंट को ढूंढना है उसको कैसे मिलेगा मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डाला सीजनल भी डाला साइक्लिकल भी डाला एंड रैंडम भी हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है एडिक्टिव मॉडल वन मार्क 100% एमसीक्यू इन योर एग्जाम वन मार्क 100% आएगा ही आएगा ठीक है अब नोटबुक में लिखो मेथड्स टू ऑब्टेन ट्रेंड लाइन मेथड्स टू ऑब्टेन ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन का पहले फॉर्मूला लिख दो ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला लिख दो y cap is equal to a plus bt एंड यहां पर ट्रेंड लाइन ढूंढने के मेथड्स लिखो मेथड्स टू ऑब्टेन ट्रेंड लाइन मेथड्स टू ऑब्टेन ट्रेंड लाइन फर्स्ट ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर द सेकेंड इज मेथड ऑफ least squares there are two methods and trend line jaise maine kaha it is y cap is equal to a plus bt okay and kitni methods two first is a graphical method and second is method of least square In the next lecture, we'll start with graphical methods. We'll show, we'll do it, how to make a graph. And then in the coming lecture, we'll go on to the method of least square. Bauj easy chapter che, ane bauj jaldi aapne ane khatam kari desu. Very easy it is. Okay. Concept and wo sab pata chal gaya. So bye for today, beta. Bye.